हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारा जो सीरीज जो चल रहा था री ऑप्टिक्स का, और उस री ऑप्टिक्स का लास्ट वीडियो आज हम देखेंगे, और जिसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो जितने भी 4 वीडियोज में मैंने टॉपिक्स कवर कराए री ऑप्टिक्स के, वो सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं, लिख करके याद करना है, रिपीटेशन में लेना है, तब जा करके वो चैप्टर आपका कवर होगा। जितने हम डायग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा डेरिवेशंस आपको इजी लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा कि जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, राजस्थान बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर देख करके जाने हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ठीक है। तो आज का पहला न्यूमेरिकल्स जो हम देख रहे हैं बेटा, देखो देर, तो आप तो बोल रहा है बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेज ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रखा बेटा उस ग्लास का 1.5। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक आपको एक डबल कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 10 और 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको बोल रहा है बेटा कि एयर में फोकल लेंथ बता दो। तो इसमें जो फॉर्मूला हम जो लगाएंगे वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस का 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस का 1/r2। इसमें मैं डायग्राम एक लेंस का बना रहा हूँ जिससे आपको और इजी लगेगा। देखते हैं इधर, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 जो कि आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और इधर वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.5 जो कि 2 होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चाहिए कितना होता है, 1। सारा डेटा यहाँ पर है, पुट करते हैं यहाँ पर। तो 1/f हमें फाइंड आउट करना है, μ2 कितना है 1.5, μ1 1 है 1, ब्रैकेट 1/r1 10 माइनस माइनस प्लस होगा 1/15, ओके। नाउ यहाँ देखते हैं 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 33 प्लस 2, ये कितना होगा 0.5। तो देखा इधर, 0.5 इंटू 5/30, क्लियर ना तक। देखो 1.5 होगा माइनस 1, 0.5 होगा इंटू 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 30। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, यानी कि कितना आ गया, 12 आ गया। ये 1/f की वैल्यू है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो ये एयर में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखना है, ठीक है बेटा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो भी आपको डेटा गिवन है वो आप देखें कि डेटा हमें क्या गिवन है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपका पूछा गया है 2015 में एक बार पूछा गया है। तो आपको बेटा एक डायग्राम गिवन है,
एक डायग्राम गिवन है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस है। पहला लेंस दूसरा लेंस थर्ड लेंस। ये आपका एग्जांपल नंबर जो है ये 9.9 है आई थिंक, ठीक है। ये वाला जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इस वाले की फोकल लेंथ आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर, इस वाले की फोकल लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है कोई और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है फर्स्ट से। इधर वाला जो सेपरेशन है ये बेटा 5 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज बताओ कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक एक करके सॉल्व करने हैं कि फर्स्ट लेंस से इमेज कहाँ बनेगी, सेकंड से कहाँ बनेगी एंड फाइनली थर्ड से कहाँ बनेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट के लिए ये लेंस वन है, ये लेंस टू और ये लेंस थ्री। लेंस वन के लिए बात करते हैं पहले, तो लेंस वन के लिए देखें बेटा यू की वैल्यू -30 होगी, फोकल लेंथ कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है, वी हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v, ठीक है, माइनस का 1/u, 1/10 = 1/v -30, इधर आ जाएगा 1/v = 1/10 - 1/30, एलसीएम 30, 3 - 1, 2/30 कैंसिल आउट हुआ 1/15। तो हमने देखा कि फर्स्ट जो लेंस है उसकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है बेटा, 15 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर देखें तो यहाँ से बेटा कितना डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या बन रही बेटा, इमेज बन रही है। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब हम देखेंगे लेंस टू, लेंस टू। तो लेंस टू से हम यदि देखें तो इस वाली जो डिस्टेंस को हम देखें कि वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो आप देख रहे हैं यही वाला जो रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है बेटा, ये वाली है। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी और इस वाले डिस्टेंस को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये टोटल जो है वो 15 था, ये 5 है, तो यू की वैल्यू जो है अब कितनी होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर होगी, जो कि प्लस का होगा क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं इमेज यहाँ बन रहा था ना, इसका इमेज यहाँ बन रहा था, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर बिकॉज कॉनकेव लेंस है। अब आप यहाँ पर ये देखते हैं कि 1/f = 1/v -1/u -1/10 = 1/v, ठीक है, -1/10 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/v = कितना, 0। तो v इक्वल टू कितना आ गया, इनफाइनाइट आ चुका है। तो सेकंड वाली लेंस से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है बेटा, इनफाइनाइट पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है, इनफाइनाइट पर। ये इमेज जो है इस वाली के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेंस थ्री के लिए, लेंस थ्री u की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, v हमें फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू 30 है। वैसे भी हम देख सकते थे, यहाँ से भी आपको क्लिक होना चाहिए था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 10 पर है और फोकस भी 10 पर है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। और इसको आप क्लिक कर सकते हो यदि ऑब्जेक्टिव आता है, तो यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। तो फोकस कितना दे रखा है, 30, तो आपका आंसर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है तक। तो देखते हैं यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/v = 1/f + 1/u, 1/30 + ये 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बन रही है बेटा, 30 सेंटीमीटर पर बन रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। तो आपको मैं सोचता हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं,
ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं बेटा, जिससे कि आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आसान होते हैं। यही न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ बतानी है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। तो यहाँ पर आपको बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, क्या गिवन है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो है वो कौन सा लेंस गिवन है बेटा, कॉनकेव लेंस। दो लेंस गिवन है और इनकी फोकल लेंथ जो है वो दे रखी है बेटा, इसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसकी दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर, ओके। आपको बोलना है कि इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ बतानी है, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ये सिस्टम जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये भी आपको बताना है। कन्वर्जिंग का मतलब आपको पता है कॉन्वेक्स होता है, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपको देखना है कैसे हम देखेंगे, साइन से देखेंगे कि ये साइन जो है यदि पॉजिटिव आ रहा है, फोकल लेंथ का साइन यदि पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, कॉन्वर्जिंग होगा सिस्टम, और यदि नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम विल डाइवर्जिंग, ओके। तो देखें यहाँ पर, लेट सपोज इसकी फोकल लेंथ को हमने बोला 1, कॉन्वेक्स है तो प्लस का ही होगा, इसको मैंने बोला 2, कॉन्वेक्स है तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। हमें पता है कि 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/f1 + 1/f2। f1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू 30 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस का 1/30। एलसीएम जो है 63 माइनस का 2 इक्वल टू 1/60। 1/f की वैल्यू 1/60 है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है, इट मींस सिस्टम विल बिहेव कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ये इसका क्या बेटा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखो क्या कह रहा है आपको बेटा, एक टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 192 सेंटीमीटर और आई लेंस का दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी मैग्नीफाइंग पावर और डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा गया है, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है, ओके। तो यहाँ पर बेटा आपसे पूछ रहा है मैग्नीफाइंग पावर, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है टेलीस्कोप के केस में क्या होती है, f0/fe विद नेगेटिव साइन होता था। नेगेटिव साइन सिर्फ जो है वो क्या बताता था कि जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या बेटा नेगेटिव, क्या बताता था कि इमेज जो है वो क्या बन रही है, उल्टा बन रहा है, इनवर्ट बन रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ कंडीशन से आप इसको हटा भी सकते हो, तो ये कितना होगा मैग्नीट्यूड, यदि मैं लूँ उसका तो f0/fe इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ, f0 की वैल्यू 192/8 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा बेटा 24। यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों ही फोकल लेंथ है, रेशियो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब हम देखते हैं बेटा लेंथ, यदि हम देखें लेंथ, तो लेंथ की यदि बात हमने की थी तो आपको पता था कि f0/fe होता था जो कि कितना होगा 192/8 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये क्या था बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टेलीस्कोप का था, आपको अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दे रखा है आपको बेटा, दो थिन लेंसेज की पावर दे रखी है, P1 दे रखा है 5 डायोप्टर और P2 दे रखा है आपको माइनस का 3 डायोप्टर। और आपको बेटा बोल रहा है कि ये जो दोनों लेंस हैं ये कंबाइन किए गए, क्या किए गए, कंबाइन। तो आपको बताना क्या है, आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बता दो बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बता दो। दोबारा से सुने कि आपको दो लेंस जिनकी पावर आपको दे रखी है P1 और P2, इनको क्या किया बेटा, कंबाइन किया है, थिन लेंसेज हैं और कंबाइन करके आपसे पूछा है इनकी फोकल लेंथ बता दो, इक्विवेलेंट कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए बेटा फॉर्मूले दो हैं। पहले तो मैं क्या करूँ, इस P1 से F1 निकालूँ
P2 से F2 निकालूं तब जाकर के मैं सॉल्व करूं, या फिर क्या बेटा हम टोटल पावर निकाल लें और टोटल पावर जो है उससे हम क्या निकालें, फोकल लेंथ। ये ज़्यादा इजी पड़ता है आपको, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले हमने पावर निकाली P1 प्लस P2 5 माइनस का 3 विच इज आल्सो इक्वल टू 2 डायप्टर। आपको पता है बेटा P इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन F। तो F इक्वल टू, ये P इक्वलेंट है तो P इक्वलेंट जो है ये इतना होता है, तो F इक्वलेंट कितना होगा, 1 अपॉन P इक्वलेंट, 1 अपॉन 2 यानी कि कितना, 0.5 मीटर, क्योंकि 1 बाय का कंसेप्ट है। यदि आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो कितना बेटा, 0.5 100 का मल्टीप्लाई करा दें, कितना बेटा 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर जो था वो 5th था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। अगला क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। आपको बोल रहा है बेटा कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा, 24 सेंटीमीटर गिवन है, दे रखा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ लेंस आर इक्वल, यानी कि आपको R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना दे रखा है, R दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहाँ पर। पहले हम वही फोटो बनाएंगे जिससे कि और डेटा क्लियर हो जाएगा। आपको पता है ये R1 जो है वो प्लस का होता था R, और ये R2 जो है वो कितना होता था बेटा, माइनस का R। ओके बेटा, ये वाला जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता था 3/2, और यदि आपको कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है तो हम कंसीडर क्या करते हैं बेटा, एयर, जो कि कितना होता है 1, ध्यान रखना है बेटा आपको। अब हमें R निकालना है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 अपॉन F इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। क्लियर, तो देखें यहाँ पर 1/24 कितना बेटा, 3/2, 1 इतना ही रहेगा, 1, 1 अपॉन R माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R, 1/24 इक्वल टू 1/2 इंटू कितना बेटा, 2/R, कैंसिल आउट, R की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमने जो देखे, 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर ना तक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे यूनिक क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ जो है वो बच्चे फंस जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका राजस्थान बोर्ड 2020 में आया हुआ है, और बहुत सारे बच्चों का गलत था। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपको ध्यान से देखना, और इसको मैं बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 25 सेंटीमीटर। तो मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा बेटा। एयर में, ये एयर का कंसेप्ट है, और एयर में आपको फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इफ इट इज इमर्स इन वाटर, अब क्या कर रहा है, इसको बेटा इमर्स कर रहा है किसमें बेटा, वाटर में। तो वाटर में इमर्स किया, कर दिया मैंने, वाटर में इमर्स कर दिया, तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ इन वाटर जो है वो क्या होगी। ये फोकल लेंथ आपको एयर में गिवन है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो ग्लास का दे रखा है आपको, और वाटर का भी दे रखा है। तो वाटर है तो μ1 दे रखा है 4/3, और μ2 जो दे रखा है वो 3/2 दे रखा है। यहाँ पर भी इतना ही होगा, μ1 जो है 4/3, लेकिन यहाँ पर एयर है ना, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और ग्लास का तो वही सेम रहेगा, μ2 इक्वल टू 3/2। बस यदि आपको ये क्लियर हो गया कि डायग्राम, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया,
अलग अलग लेंसेज बनाए, और वो लेंसेज जो है वो एयर के लिए मैंने ये देखा, और वाटर में इमर्स किया तो हमने ये देखा। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, हम हमेशा यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखते हैं यहाँ पर पहले फर्स्ट केस से देखते हैं आपको, आपको पता है ये वाला कितना होगा आर वन होता है, और ये कितना होता है बेटा आर टू, लेकिन ये माइनस का होता था। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, तो वन अपॉन एफ एयर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस का वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन आर टू। ओके, तो वन अपॉन एफ एयर आपको 25 गिवन है, म्यू टू जो है आपको 3/2 गिवन है, वन माइनस का वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन आर टू। देखते हैं देन वन अपॉन 25 इक्वल टू 3/2 माइनस वन 1/2 ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन आर टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ सेकेंड केस के लिए यदि हम देखें तो इसी इक्वेशन से हम देखेंगे वन अपॉन एफ वाटर म्यू टू, म्यू टू कितना है बेटा 3/2, म्यू वन कितना है 4/3, तो 4/3 माइनस का वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन आर टू। सॉल्व करते हैं बेटा, वन अपॉन एफ वाटर 9/8 माइनस वन है, तो 1/8 ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस का वन अपॉन आर टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हमें एफ वाटर निकालना है, डिवाइड मार दें तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो कितना होगा 1/2, तो 1/25 ये ऊपर और ये नीचे, तो एफ वाटर अपॉन वन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो देखो कितना होगा 1/2 और 1/8 है तो 1/8, तो 2 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 25 4 कितना हो जाएगा बेटा 100, तो वाटर में कितनी आ गई बेटा 100 सेंटीमीटर आ चुकी है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन जाता है कि वो मैं करा नहीं रहा, आपको पता है 10th क्लास में आपने काफ़ी क्वेश्चंस वो किए हुए हैं लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से बेस्ड, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला से बेस्ड आपने किए हुए हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ओके, इसमें मैंने बताया था कि यू और वी के साइन सेम है, इमेज रियल होगा और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। यदि यू और वी के साइन जो है वो डिफरेंट है तो इमेज जो है वो क्या होगा बेटा वर्चुअल होगा, वर्चुअल है तो क्या होगा इरेक्ट होगा। क्लियर ना तक। मैग्नीफिकेशन आपने देखा था कि मैग्नीफिकेशन जो है इस केस में क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है बेटा। लेंस फॉर्मूला में हमने देखा था कि लेंस फॉर्मूला आपको पता है कि वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन यू। ओके, इसमें जस्ट रिवर्स चलता है कि यू और वी सेम साइन के है ना, तो इमेज वर्चुअल एंड द इरेक्ट होगी, एंड यू एंड वी क्या डिफरेंट साइन के हैं तो रियल और इन्वर्टेड होगी। इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी अपॉन यू होता है, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, लेकिन वो 10th क्लास का बेस था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं ये आपको देखने हैं। तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे बोर्ड में पूछे गए हैं वो मैं सारे आपको करा चुका हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो है आपका कोई भी यदि प्रॉब्लम बनता है तो आप मेरे को क्या करें, शेयर जरूर करें। इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड जो फिजिक्स है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, उसको आपको करना क्या है, यदि आपको दोबारा से रिकॉल करना बेटा तो दोबारा से वही, जितना मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना रिपीटेशन पर ध्यान दोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। एक बार आप दोबारा से और वीडियो देखेंगे ना, दोबारा से वीडियो देखें, आपको लर्न है, देखते हैं कि कितना आपको लर्न है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखाता हूँ वो क्वेश्चन आप देखें कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सेकेंड फिजिक्स हमारा कंप्लीट होता है, सेकेंड फिजिक्स हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम जो है वो फर्स्ट फिजिक्स में दो चैप्टर देख चुके थे, फर्स्ट फिजिक्स में हमने दो चैप्टर देखे थे, ठीक है। अब हम जो है फर्स्ट फिजिक्स में थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर एंड सिक्स चैप्टर को कवर करेंगे, और इसके बाद जो है हम यहाँ पर मैं
पेपर जो है वो अपलोड करूंगा, यहाँ पर पेपर भी मैं डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारा सेकंड फिजिक्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड फिजिक्स का पेपर जो है वो मैं आपको क्या करूंगा बेटा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको वो बेनिफिशियल हो। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।